अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी दुआ भी यही कि आप सब लोग बहुत खुश हों, ठीक ठाक हों, और अगर थोड़ा सा मूड ख़राब है तो आप लोगों का अभी 10-15 मिनट के अंदर मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो को देखते रहें। और आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी मज़े मज़े की बातें भी करने वाली हूँ, और साथ साथ मेरा रूटीन व्लॉग तो आप देखते ही रहेंगे। तो जनाब, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम ब्रेकफास्ट से। आज मैं बनाने लगी थी बेसन का चीला, तो उसके लिए मैं पानी ऑलरेडी ले आई थी। इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करूँगी। हाँ, आज थोड़ा मिक्सर जो है ना, थोड़ा पतला बन गया था, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि इसको आपने ना तो बहुत गाढ़ा बनाना होता है, ना बहुत पतला बनाना होता है। खैर, कोई गल नहीं, खाना तो बेसन का चीला ही है, तो अगर आप बहुत पतला बनाएंगे ना तो उससे टूट जाता है। तो लेकिन मैंने आज थोड़ा पतला बना दिया था, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, कभी गलती हो जाती है। हालाँकि मुझे पता था कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाते। खैर छोड़ो जी, ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग ठीक ठाक है ना, किसी बात से मूड ऑफ है तो जल्दी जल्दी से हैप्पी हो जाओ। ताड़ी अक्सा आ गई है, तो फ़ौरन से रुकें, कुछ भी करते हुए मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो एक मिनट नहीं बल्कि 3 सेकंड आप लोगों को दे रही हूँ। 1, 2, 3, जल्दी से स्माइल कर दें एक प्यारी सी, क्योंकि आप लोगों को अपने लिए खुश रहना है, अपने लिए मुस्कुराना है। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आप समझें आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन नहीं है, जहाँ भी है ना, आप समझें आप सुकून में हैं। मैं तो आप लोगों की मेडिटेशन कराने लग गई हूँ। नहीं, मैं सही कह रही हूँ, आप लोग इमेजिन करें कि आप लोग बिल्कुल सुकून में हैं और आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी टेंशन नहीं है। थोड़ी देर के लिए भूल के तो देखें, मज़ा आएगा आप लोगों को। और अगर ये प्रैक्टिस में आप लोगों को मज़ा आने लगे तो फिर रोज़ अपने लिए 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, चलो कोई गल नहीं, रोज़ मेरा व्लॉग देखते हुए ही मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दिया करूँगी कि थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में आप लोगों ने ये सोचना है कि हम लोग बिल्कुल सुकून में, हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप लोग सोचते हैं उसी तरह आपका माइंड जो है ना वो चलने लग जाता है, और आपके आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को, दिल को सुकून मिलने लग जाता है कि नहीं, हर चीज़ ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते रहेंगे ये भी करना है, वो भी करना है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है टेंशन ही मुक्ति, ना कभी काम ख़त्म होते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स कर दें बिल्कुल। और आज आप लोग मेरा व्लॉग देखते हुए कोई और बात नहीं सोचेंगे, ठीक है, ना ही कोई इधर उधर की चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। सिर्फ आप लोगों ने जितनी देर व्लॉग देख रहे हैं, अगर ये 10 मिनट का है, 11 मिनट, 12 मिनट, सिर्फ व्लॉग के ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। इस तरह जो है ना वो आपकी फोकस करने की हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं अगर आप 100% फोकस होकर वही काम करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और ये मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद भी करती हूँ। मैं अब अपनी ओवर थिंकिंग पे इस हद तक कंट्रोल कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जहाँ पे हैं, जिस मोमेंट में, वहाँ पे प्रेजेंट रहें। जब हम मतलब बैठे कहीं हैं लेकिन हम सोच कहीं रहे हैं, काम कोई करें, कुकिंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं करें। कुकिंग को करते हैं तो इन्जॉय करें, डस्टिंग करें, इन्जॉय करें, साथ कुछ देख लें, मेरा व्लॉग देख लिया करें। मैं अपना व्लॉग तो सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ देखा करें जो देख के आपको खुशी मिलती है। हो सकता है कुछ और देख के खुशी मिलती है, आप लोगों को तलावत सुन के खुशी मिलती है, और कोई ड्रामा आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ भी, सिर्फ आप लोगों ने फोकस करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा जी, साथ साथ आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, हम लोग आए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए, घर की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो ये ले रहे हैं। साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों से मैं प्यारी प्यारी बातें भी कर लेती हूँ। प्यारी प्यारी इसलिए बोलती हूँ ताकि मैं इन बातों के थ्रू आप लोगों को हील करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, आप लोग ये शुक्र अदा किया करें कि आप लोग जी रहे हैं, आप लोग जिंदा हैं, आप लोगों ने अपने लिए खुश रहना है। तो हम लोग घर आ गए थे, और आते हुए हम लोग आलू और कीमे वाला नान लेके आए थे, तो बस मैं हाथ शाथ धो के वही खाने लगी हूँ। और साथ में आप लोगों के साथ ना चलें, आप लोगों के साथ आज मैं एक बहुत ही प्यारी थोड़ी सी रिलीजियस बात शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत सा हौसला भी मिलेगा, और आप लोगों को भी ऐसा फ़ील करना है, आप लोगों ने ये चीज़ें भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, और आप लोगों ने फ़ील भी करना है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। तो हज़रत अली से किसी ने पूछा कि क्या हमें पता चल सकता है कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है, तो हज़रत अली ने 5 निशानियाँ बताईं कि ये 5 निशानियाँ अगर आप लोगों को ज़ाहिर होने लगें तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। तो पहली निशानी ये है कि आप लोगों का इबादत करने का दिल करने लग जाता है ऑटोमेटिकली। वो इस तरह के, जब फजर के टाइम उठना सबसे मुश्किल होता है, हम लोग वैसे नमाज़ पढ़ लेते हैं दिन में, लेकिन फजर के टाइम अक्सर जो है ना वो हम लोग डंडी मार जाते हैं कि नहीं, नींद आ रही है, आप लोगों की ऑटोमेटिकली फजर के टाइम आँख खुलने लग जाएगी और आप लोगों का दिल करेगा कि हम बिस्तर से उठें और नमाज़ पढ़ें। तो ये एक पहली निशानी होती है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आपको अल्लाह बुला रहा है अपनी तरफ और आपका अच्छा वक्त आने वाला है। और दूसरी निशानी ये है कि आपको दीन की बातों की समझ आने लग जाती है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं या दीन की बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि कुरान पाक में भी ये कहा गया है कि अकल रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, मतलब हमारे सामने चीज़ें जो है ना वो क्लियर होने लग जाती हैं कि ये चीज़ किस रेफरेंस में बात की गई है, तो आप लोगों को दीन की समझ आने लग जाएगी।
तीसरी सबसे बड़ी निशानी ये कि हम लोग सब्र हमारे अंदर सब्र पैदा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि अल्लाह हमें आजमा रहा है। हमारे ऊपर जब भी कोई आजमाइश आती है हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी से काम लेते हैं और हम लोग उन हालात में सब्र करते हैं और अच्छे की उम्मीद करते हैं। ये भी नहीं कि आप लोगों ने मायूस होना, मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह, आप लोगों ने कभी भी मायूस नहीं होना। हमेशा जो है ना वो अल्लाह पर यकीन रखा करें कि यार अगर ये वक्त आया है, बुरा वक्त आया तो अच्छा वक्त भी आएगा। और हमेशा ये लाजमी सोचा करें अगर कोई आजमाइश आती है, कोई बुरा वक्त है, तो आपको पता है कि बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आता है। तो ये आप लोगों ने हमेशा उम्मीद रखनी है और अपने आप को ये बार बार बोलते रहना है, खुद से बात किया करें। जब खुद से आप लोग अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो आप लोगों को वैसा ही फील होने लग जाएगा। आप कहा करेंगे नहीं अगर ये वक्त आ गया तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा और फिर वही होगा जो आप लोग सोचेंगे। और चौथी निशानी ये कि आपके फेस पे रौनक आने लग जाती है। अच्छा, जब पहले मैंने आप लोगों को तीन चीज़ें बताई हैं ना, ये चौथी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है जब आप सब्र करने लग जाते हैं, यानी अल्लाह जो कर रहा है ना उसके ऊपर राज़ी होने लग जाते हैं। आप लोग नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं और आप लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल बहुत ज़्यादा सुकून में चला जाता है, इत्मीनान में चला जाता है। जब आपका दिल सुकून में होता है ना तो वो सुकून आपके फेस पे नज़र आता है, तो फिर रौनक ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके फेस पे। तो ये भी चौथी निशानी है। उसके बाद आ जाती है पांचवी बड़ी निशानी और वो ये है कि आपके अंदर दुनिया की चीज़ों का लालच ख़त्म हो जाता है, आप अल्लाह के दिए हुए पे राज़ी हो जाते हो। और मैं हमेशा आप लोगों से ये बात करती हूँ, बहुत से मुझे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि ये नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं, वो नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं। तो ये वर्ल्डली चीज़ें ये कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं देती, अगर देती भी हैं तो फॉर द टाइम बींग होता है। उसके बाद जब चीज़ आपके पास आ जाती है आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलती। कभी भी चीज़ों के साथ अपनी खुशियों को एसोसिएट ना करें कि ये चीज़ मिल जाएगी तो फिर मैं बहुत खुश होऊंगा, ऐसे नहीं होता। लोगों के साथ आपको खुशी मिलती है, आपके अपनों के साथ आपको खुशी मिलती है, और जो काम आप करते हैं अच्छे अच्छे काम आप करते हैं, अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को आपने बदलना है, ख़ुद को अच्छा अच्छा सोचना है। बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं ना करती हूँ या मैंने किसी चीज़ की प्रैक्टिस ना की और वो मैं आप लोगों के साथ बगैर एक्सपीरियंस के शेयर करूँ। मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, पहले ज़्यादा करती थी, अब मैं ये बहुत हद तक कंट्रोल करती हूँ। क्योंकि जब आप अपने आप पे काबू पाने लग जाते हैं ना, यानी अपने गुस्से पे काबू करने लग जाते हैं, आपके अंदर हल्का मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ आती है। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मतलब करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन यह है कि अब मुझे खुद नज़र आता है, मुझे पता है कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने चीज़ें सारी समेट मूट ली हैं और फिर मैंने कहवा बनाया है। अब चाय भी मैंने बनाई थी क्योंकि मैं टपाल लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, बचपन की याद आ गई थी मुझे ये पाउडर देख के, ब्लैक कैट, तो मैंने ये ले लिया। मम्मा ना अभी भी मेरी तिब्बत पाउडर यूज़ करती हैं, उसकी एक ना स्पेसिफिक मतलब खुशबू होती है जो कि बचपन की याद दिलाती है। तो ये हमें ब्लैक कैट भी मम्मा बचपन में यूज़ कराती थी, तो ये भी मैंने पढ़ा देखा, मैंने ले लिया। और फिर मैंने एक ये लेना था रोल ऑन, और मैंने आप लोगों को बड़ी दफ़ा कहा हुआ है कि जितनी मर्जी परफ्यूम्स लगा लें, बॉडी स्प्रे लगा दें, बॉडी मिस्ट लगा लें, लेकिन जब तक आप रोल ऑन डिओड्रेंट नहीं यूज़ करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को कुछ भी लगाने का। इसलिए अंडर आर्म्स पर अपना रोल ऑन लाजमी यूज़ किया करें ताकि आपसे बिल्कुल भी स्मेल ना आए। आप खुद भी अगर फ्रेश फील करते हैं ना, यानी आपसे स्मेल नहीं आ रही, दूसरे वाले तो आवाज़ होते ही होते हैं, आप खुद अच्छा फील नहीं करते, ठीक है। तो मुझे तो मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने होश संभाला है, मैंने रोल ऑन यूज़ ना किया हो। हम सब बहनों की आदत है, तो अपनी हाइजीन का लाजमी ख्याल रखा करें। उसके बाद जी, ये मैं सीरम लेके आई थी डेफोडर्म, जो कि है हाइलोरॉनिक एसिड। अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहती कि बहुत महंगी चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं आप वो यूज़ करें। ये सीरम जो है ना मुझे 2000 रुपीज़ का मिला है, लेकिन इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है और ये स्किन को ना प्लम करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन ये देखें काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। अब मुझे मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसलिए कि आप लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी पॉकेट मनी में से चीज़ें ले सकते हैं। दो तीन महीने थोड़े से पैसे जमा करें, एक अच्छी चीज़ ले लें, वो फिर आपका 6 महीने आराम से गुजर जाता है। थोड़ी सी तो प्रोडक्ट यूज़ होनी होती है और आपको हर चीज़ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को रिव्यू में बताऊँगी अच्छा है वही लिया करें, मैं हूँ ना पैसे लगाने के लिए, भाई मैं अपना अर्न करती हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों पर पैसे लगाती हूँ। लेकिन जब तक मैं रिव्यू ना दूँगी ये चीज़ अच्छी आप लोग ले लें, तब तक ना लिया करें। फिर मैंने एक क्लैरिमैक्स क्रीम ली है, नाइट क्रीम, क्योंकि मैं बहुत अरसे से कोई क्रीम नहीं यूज़ करती, सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये कोई भी फॉर्मूला क्रीम नहीं है, सिर्फ वैसे ही आपकी स्किन को जो है ना वो इवन आउट करने के लिए है। तो ये मैं अभी सोचा खोलती हूँ और इसको मैं आज से जो है ना वो स्टार्ट करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तकरीबन मुझे 1 महीने का टाइम देना था कि मैं अच्छे से जो है ना इसको यूज़ करके प्रॉपरली फिर रिव्यू दूँ।
क्लैरियम एक्स क्रीम। अगर किसी ने ये सीरम या क्रीम में से कुछ भी यूज़ किया तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में रिव्यू दे सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी ये चीज़ें, हो सकता है आप लोगों ने यूज़ भी की हों। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी देर आप वीडियो में हैं सिर्फ आप मेरी वीडियो में खो जाएं, आप बाकी दुनिया को भूल जाएं, बाकी बातों को भूल जाएं, आप लोग टेंशन भूल जाएँ, सिर्फ व्लॉग देखा करें, उसको इन्जॉय किया करें, ठीक है। और ये जी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब हम जो इतने इतने बड़े ये पैकिंग वाले बॉक्सेस हैं इसको फेंकते हैं, साथ साथ कहवा पीते हैं, और ये मैं रखती हूँ इनकी जगहों पे चीज़ें, क्योंकि मुझे बिखरी हुई जो चीज़ें हैं वो फिर उलझन करती रहती हैं जब तक मैं उनको समेट ना लूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखने में पैकिंग काफ़ी बड़ी लग रही है और अंदर क्रीम जो है वो थोड़ी सी है। ये क्रीम मेरे ख्याल से आई है 1440 की। तो समेटते हैं चीज़ों को और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग मेरा आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, और मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा, कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप लोग कमेंट्स में जो है ना मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।